सो फाइनली गाइस, वीवो ने भी अपनी वीवो की V27 सीरीज में आने वाले कोने ब्रांड न्यू स्मार्टफोन को हमारे इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई पिछले हफ्ते भाई वीवो ने अपनी V27 सीरीज में V27 Pro 5G को लॉन्च किया है, लेकिन उसी का छोटा भाई यानी कि वीवो V27 5G फाइनली हमारे इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है भाई वीवो के थ्रू। बाकी हमने वीवो V27 Pro 5G के गेमिंग रिव्यू के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आप उस फोन में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी वो वाली वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक आपको ऊपर बटन में देखने को मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले भाई Vivo V27 5G के गेमिंग रिव्यू के बारे में, जानेंगे कि भाई ये फोन गेमिंग में कैसा होने वाला और यहाँ पे आपको एकदम ब्रांड न्यू चिपसेट देखने को मिलता है Dimensity 7200 चिपसेट, ये कैसा परफॉर्म करता है और इस फोन को आपको गेमिंग के लिए कंसीडर करना भी चाहिए नहीं, यही आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ साथ हम इस फोन के बारे में सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके प्राइस से लेकर के इसके स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स एंड परफॉर्मेंस के बारे में भी। इसलिए हमारी वीडियो भाई बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, तो इस वीडियो को भाई कर देना अभी से एक लाइक, एंड लाइक का टारगेट रखते भाई हम 100 लाइक्स, देखते भाई आप कितने जल्दी कंप्लीट कर पाते हो। बाकी चलिए यार हमारी वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करते और फाइनली हमारी आज के अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते भाई Vivo V27 5G के लुक एंड अपीयरेंस के बारे में, इसके बिल्डिंग फिनिशिंग के बारे में, इसके डिस्प्ले के बारे में, इसके कुछ फीचर्स के बारे में भी। तो भाई जैसा Vivo V27 Pro 5G था वैसा ही बिल्कुल Vivo V27 5G निकल के आता है। यहाँ पे भी आपको बैक पैनल में रेक्टेंगुलर शेप में 3 सेपरेट सर्कल में 3 कैमरास के ऑप्शन देखने को मिल जाएगी और उसी के साइड में आपको एक और सेपरेट सर्कल में LED रिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई काफी ज्यादा इमर्सिव लुक प्रोवाइड करके देती है इसके बैक पैनल में। और फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद डुअल 3D कर्व्ड डिस्प्ले के साथ में। जी अगर ऐसे आपको 3D कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलता है भाई, जैसी ऐप आपको Vivo V27 Pro 5G में देखने को मिलता था, तो डिस्प्ले के मामले में भी इस फोन में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता भाई, काफी ज्यादा प्रीमियम आपको इसका लुक एंड अपीयरेंस देखने को मिल जाएगा और बेजल्स भी बहुत ही पतले देखने को मिलने वाले हैं। तो लुक एंड अपीयरेंस के मामले में Vivo कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, ये भी फोन आपको डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, काफी प्रीमियम ये फोन निकल के आता है। डिस्प्ले के बारे में बात करते थे, आपको 6.78 इंच में आने वाला एक 120 हर्ट्ज के रिफ्रेशिंग रेट वाला एक FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है 360 हर्ट्ज सैंपलिंग रेट के साथ में, 1200 हर्ट्ज का इंस्टेंट सैंपलिंग रेट भी देखने को मिलता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको डुअल 3D कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलता है, HDR 10 प्लस के साथ में इसका डिस्प्ले निकल के आता है, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, 10 बिट के पैनल के साथ में इसका डिस्प्ले निकल के आता है भाई, बिल्कुल A1 क्वालिटी का आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि आपको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से डिसअपॉइंट नहीं करता है, काफी ज्यादा सॉलिड आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अच्छी बात यह कि आपको LPDDR5 रैम देखने को मिलती है विद UFS 3.1 रोम के साथ में, तो रैम और रोम भी काफी तगड़ी देखने को मिल जाती है, कोई भी 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलता, लेकिन अच्छी बात यह कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है भाई इस फोन में। लेकिन बुरी बात यह देखने को मिलती है कि आपको ओनली सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है, कम से कम यहाँ पे डुअल स्टोरेज स्पीकर तो देना चाहिए था भाई Vivo ने, बट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। 4600mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 66W फास्ट चार्जर के साथ में, तो बैटरी भले ही थोड़ी कम देखने को मिलती है लेकिन चार्जर यहाँ पे आपको काफी तगड़ा देखने को मिल जाएगा और Vivo की ऑप्टिमाइजेशन काफी तगड़ी निकल के आती है। और भाई यहाँ पे आपको जो चिपसेट देखने को मिलता है Dimensity 7200 वो 4nm की फैब्रिकेशन पे बेस्ड है, इसलिए आपको बैटरी इफिशियंसी के मामले में भी कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। एंड्रॉइड 13 के साथ में आपको ये फोन देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स और यहाँ पे आपको काफी तगड़ा कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है भाई 3001mm स्क्वायर में फैला हुआ, यहाँ पे आपको वेपर चैम्बर भी देखने को मिल जाएगा, तो भाई हीट मैनेजमेंट के लिए भी Vivo ने काफी अच्छा काम किया इस फोन में। एंड यहाँ पे आपको NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड डिस्प्ले के बारे में एक बात मैंने आपको बताना भूल गया था कि आपको 1300 nits की ब्राइटनेस पीक भी देखने को मिल जाती है, तो स्पेसिफिकेशंस तो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं, वही स्पेक्स देखने को मिलती है जो आपको Vivo V27 Pro 5G में देखने को मिलते हैं। बट स्टिल ये फोन परफॉर्मेंस में कैसा होने वाला है भाई, ये एक मेजर क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई Dimensity 7200 आखिर कैसा परफॉर्म करने वाला है भाई गेमिंग के लिए, और ये फोन आपको गेमिंग के लिए लेना भी चाहिए नहीं। तो इसलिए हम लोग बात करते हैं भाई Vivo V27 5G के गेमिंग रिव्यू के बारे में, तो इसी कारण से भाई हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं PUBG Mobile को, बेसिकली BGMI को, इन दोनों में ही आपको जो बाय डिफॉल्ट में ग्राफिक जो देखने को मिल जाएगी वो देखने को मिल जाएगी भाई स्मूथ में एक्सट्रीम। जी आ गए इस ऐप आपको बाय डिफॉल्ट अनलॉक देखने को मिलता है स्मूथर एक्सट्रीम। और वही बात करते हैं इस फोन के हाइस ग्राफिक्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको बैलेंस में अल्ट्रा, HD में अल्ट्रा और HDR में भी आपको इस फोन में अल्ट्रा ग्राफिक्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, अल्ट्रा HD में भी आप फिलहाल गेमिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन अच्छी बात है कि आपको बाय डिफॉल्ट स्मूथर एक्सट्रीम अनलॉक देखने को मिलता है, तो देखा ग्राफिक सेटिंग तो काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है, लेकिन इससे भी बेटर ग्राफिक सेटिंग डेफिनेटली आप ये हो सकती थी, बट अभी के टाइम के लिए शायद Dimensity 7200 एकदम नया चिप निकल के आता है, इसलिए थोड़ा वेल ऑप्टिमाइज
चेंजेस ना हो, इसलिए ऐप आपको ये ग्राफिक्स देखने को मिलती है। लेकिन आगे हो सकता है कि आपको सभी ग्राफिक्स में 60 fps का ऑप्शन देखने को मिल जाए, बट अभी के टाइम के लिए यहाँ आपको ओनली स्मूथ में ही 60 fps का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इसलिए हम लोग बात करते हैं स्मूथ रेस्टिंग के गेम प्ले के बारे में, टीडीएम रैंगलोर सैनुक के बूट कैंप के बारे में। तो भाई 60 fps के गेम प्ले के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको देखने को नहीं मिलता भाई इस फोन में। टीडीएम में तो ये स्मार्टफोन बिल्कुल मक्खनली 58 से लेकर 60 fps मेंटेन करके देता है, कहीं भी आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है। इरांगल की बात करते हैं तो सिमिलर भाई, इरांगल में भी ये स्मार्टफोन 57 से लेकर 60 fps काफी इजीली मेंटेन कर पाता है, वहां पे भी आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिलते हैं। क्लोज कॉम्बैट में कभी कभार जो इसके fps 53-54 fps तक आ जाते हैं, बट मोस्टली फोन 57 से लेकर 60 fps काफी इजीली मेंटेन कर पाता है भाई इरांगल में। तो इन शॉर्ट लेकर मैं आपको बताऊं तो टीडीएम और इरांगल में आप ऑल द टाइम कॉन्स्टेंट 60 fps में गेमिंग कर पाओगे वीवो V27 5G इस फोन के साथ में। लेकिन बात करते भाई एक्चुअल गेमिंग टेस्ट के बारे में, यानी कि सैनुक के बूट कैंप के बारे में, क्योंकि हम सभी को पता है कि भाई वहाँ पे होता है असली टेस्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एनिमीज जो है वो एक साथ उतरते हैं और इसी कारण से वहाँ पे इंटेंस सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। और इस टाइम पे तरह बड़े बड़े फोन जो है फ्रेम की फ्लक्चुएशन कर देते, तो भाई क्वेश्चन तो ये निकल के आएगा कि क्या वीवो V27 5G की ये बड़ा फोन भी सैनुक के बूट कैंप में फ्रेम की फ्लक्चुएशन करेगा या नहीं। तो देखा रहा, अगर आप इस फोन के पास का बूट कैम करोगे और जब आप प्लेन से जंप करोगे तो उस टाइम पे तो वहाँ पे आपको अप टू 52-53 fps तक का ड्रॉप देखने को मिल जाएगा भाई जैसे ही आप प्लेन से जंप करोगे तो। लेकिन अच्छी बात ये कि वो पलक झपकते ही फटक से रिकवर भी होना स्टार्ट हो जाते हैं और लैंड करते करते इसके जो fps है वो लिटरली 55 लेके 60 fps के बीच में आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन सपोज्ड भी जब आप लैंड कर चुके हो, आप बहुत सारे एनिमीज के सराउंडेड हो और अगर आपको क्लोज रेंज में फाइट करना पड़ रहा है भाई, तो भी उस इंटेंस भसड में वीवो V27 5G इसके जो fps आपको ऑल द टाइम 57 से लेके 60 fps के बीच में ही हॉवर करते हुए दिखाई देंगे इवन सैनुक के बूट कैंप में भी। क्लोज कॉम्बैट में कभी कभार जो इसके fps 55-54 fps तक आएंगे भाई, बट मोस्टली फोन 57 से लेके 60 fps काफी इजीली मेंटेन कर पाता है भाई इवन सैनुक के बूट कैंप में भी। तो हाँ, 60 fps की स्टेबिलिटी के मामले में स्मार्टफोन आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता भाई, काफी ज्यादा सॉलिड सी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है आपको इस फोन में 60 fps में। तो गेमिंग के मामले में स्पेशली 60 fps भाई वीवो V27 5G आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता है, सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। बात करते हैं भाई इस फोन के जायरोस्कोप और इसकी हीट मैनेजमेंट के बारे में, तो इस फोन में आपको देखने को मिलता है भाई फिजिकल वाला जायरोस्कोप जिसमें आपको कोई भी डिले देखने को नहीं मिलता है, काफी ज्यादा स्मूथ आपको जायरोस्कोप देखने को मिल जाता है। हीटिंग की बात करते हैं तो इस फोन में आपको काफी तगड़ा कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है भाई, 3001 mm स्क्वायर में फैला हुआ वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है। तो अगर आप इस फोन में इवन 1.5 घंटे के ऊपर के गेमिंग भी कर लोगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता भाई, 32 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर पे। हीट मैनेजमेंट काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा एंड परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफी ज्यादा सॉलिड भी देखने को मिलने वाली है। बट जो भी हो, बात करते कि भाई आखिर आपको इतनी इनसेन लेवल की परफॉर्मेंस भाई किस स्पेसिफिकेशंस एंड किस प्राइस सेगमेंट के बेसिस पे देखने को मिलने वाली है। बात करते भाई वीवो V27 5G इस स्मार्टफोन के भाई हम धमाकेदार स्पेसिफिकेशंस फीचर्स एंड इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में, खैर अभी आप देख सकते भाई इसके स्पेसिफिकेशंस को, मैं इसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। डिस्प्ले के बारे में तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई डुअल 3D कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है, वन ऑफ द टॉप नॉच लेवल का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बात करते हैं भाई इस फोन के मोस्ट हाइलाइटिंग पार्ट के बारे में जो कि निकल के आता है इसका प्रोसेसर, तो गाइस यहां पे आपको देखने को मिलता है GDDR का Dimensity 7200 जो कि भाई 4nm की फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। डुअल 5GB चिपसेट है, लगभग 6,20,000 के ऊपर का इसका अंततः स्कोर निकल के आता है। लेकिन अभी के टाइम के लिए नया चिपसेट होने के कारण ये थोड़ा वेल ऑप्टिमाइज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये जितनी भी परफॉर्मेंस निकाल के देता है उसमें आपको ये बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता है। एंड भाई वीवो V27 5G ये पहला फोन बन जाता है भाई जो कि आपको इस चिपसेट के साथ देखने को मिलता है हमारे इंडियन मार्केट में। बाकी बात करते इस फोन के प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो इसका जो बेस वेरिएंट निकल के आया था भाई 8GB 128GB वो हमारे इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है लगभग 32,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में, लेकिन ऑफर के चलते आप इसको 30,000 रुपीज में बाय कर पाने वाले हो। तो देखा 30,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में अगर हम इसकी गेमिंग को ध्यान में रखते हुए इस फोन को देखें तो ये फोन एक बेटर ऑप्शन बिल्कुल भी निकल के नहीं आता, क्योंकि इसी के प्राइस सेगमेंट में आपको IQ Neo 7 भी देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको फार बेटर गेमिंग देखने को मिल जाती है भाई, इवन 90 fps वहाँ पे अनलॉक देखने को मिल जाता है PUBG मोबाइल में। तो कोई सेंस नहीं बनता कि आप वीवो V27 5G को बाय करो भाई गेमिंग के लिए, बट अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है भाई गेमिंग और आपको बाकी स्पेक्स में इंटरेस्ट है भाई इस स्मार्टफोन में, तो आप डेफिनेटली इस फोन को कंसीडर करने के बारे में भी सोच सकते हो। आपको ये फोन डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा इवन गेमिंग में भी, लेकिन इसके प्राइस को देखते हुए ऐसा लगता है कि भाई ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा ओवर प्राइस लॉन्च हुआ है हमारे इंडियन मार्केट में, तो मेरे तरफ से तो ये फोन आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। बाकी आप सभी की क्या राय है भाई इस स्मार्टफोन के बारे में मुझे आप कमेंट की तरह डेफिनेटली बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा, क्या आप इस फोन को बाय करना पसंद करोगे या नहीं गेमिंग के लिए। बाकी अब
तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो भाई क्या करो यार, आपको लिंक मिल जाएगा भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अगेन हमारी इंडिया में लॉन्च हुई भाई वीवो V27 Pro 5G की गेमिंग रिव्यू के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो को भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था, मैं मिलता हूं आपको अपने अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।